भी गोली लगने की खबर जो है सामने आ रही है। फिलहाल लीलावती अस्पताल में उनके जितने भी समर्थक हैं उनके जानने और चाहने वाले लोगों के पहुंचने का सिलसिला जो है शुरू हो चुका। लीलावती अस्पताल के बाहर भारी संख्या में उनके समर्थक जो है वो इकट्ठा हो रहे। पुलिस की टीम लगातार इस मामले को जो है इन्वेस्टिगेट कर रही है। जो अभी तक जानकारी मिली है पुलिस सूत्रों की माने तो ये सारे को लेकर जो है ये विवाद था कुछ, और इसी में ही ये फायरिंग की घटना जो है वो घटित हुई है और हमलावरों ने उन पर 2 से 3 राउंड की गोली जो है वो चलाई है। फिलहाल इस पूरे मामले को पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। जो अभी तक जानकारी मिली है उसके मुताबिक बाबा सिद्दीकी की मौत की खबर जो है वो अब सामने आ रही है। बड़ी खबर इस वक्त जो है मुंबई से निकलकर सामने आ रही है कि बाबा सिद्दीकी की मौत जो है वो लीलावती अस्पताल में हो गई है। जो अभी तक जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि बाबा सिद्दीकी पर 2 से 3 राउंड गोलीबारी हुई, फायरिंग हुई थी, और इस फायरिंग में बाबा सिद्दीकी गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे। और जो जानकारी मिल रही है, हालांकि अभी तक किसी ने आधिकारिक रूप से इसकी पुष्टि नहीं की है, लेकिन सूत्रों की माने तो बाबा सिद्दीकी की मौत जो है इस फायरिंग में हो चुकी है। अस्पताल ले जाने से पहले ही उनकी वो जो है डेथ कर गए थे। अब इतनी बड़ी घटना जो है महाराष्ट्र में सीधे सीधे एक नेता पर सरेआम गोलियां जो है वो बरसाई गई है। मुंबई के बांद्रा इलाके में पूरी घटना घटित हुई है, निर्मल नगर परिसर की घटना है, और ठीक इसी के पास उनके बेटे जो मौजूदा समय में विधायक हैं, कांग्रेस पार्टी से निष्कासित चल रहे हैं, उनके दफ्तर के पास ये घटना हुई। और बताया जा रहा है, जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है, कि बाबा सिद्दीकी की मौत जो है इस फायरिंग में हो गई है। जी राहुल, ये बड़ी खबर है क्या? इसकी अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई जैसा आप बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, कितनी गोलियां उन्हें लगी थी? आप बता रहे थे उनके जो सहयोगी उनके साथ में थे वो भी इसमें जख्मी हुए हैं। क्या पुलिस ने किसी को हिरासत में लिया है? पूछताछ हो रही है इस मामले में? जी बिल्कुल, जब वो बताया जा रहा है, जो जानकारी मिल रही है कि बाबा सिद्दीकी अपने बेटे के दफ्तर से ठीक बाहर निकल रहे थे तभी इस फायरिंग की घटना को अंजाम जो है वो दिया गया है। और बताया जा रहा है उनके साथ एक सहयोगी भी था जो उनका, और उसे भी गोली लगी है। फिलहाल पुलिस से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक इस पूरे मामले को लेकर पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में भी लिया है, उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। गोली चलाने वाले कौन लोग थे इस पर जो है अभी तक इसके बारे में पता नहीं चल पाया है। बताया जा रहा है कि यह सारे प्रोजेक्ट को लेकर कुछ विवाद था और इसी विवाद के चलते जो है इन पर जो है गोलियां बरसाई गई है। पुलिस के सूत्रों ने यह जानकारी दी है। फिलहाल पुलिस ने 2 लोगों को इस मामले में हिरासत में लिया है और उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। आपको यह भी जानकारी बता दें कि बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता संजय दत्त भी जो है लीलावती अस्पताल पहुंच चुके हैं। संजय दत्त जो है बेहद करीबी माने जाते हैं बाबा सिद्दीकी के बारे में। कहा जाता है कि हर रमजान के महीने में इफ्तार पार्टी जो है वो कराते हैं और सेलिब्रिटियों के साथ उनका एक अच्छा बिल्कुल तमाम बड़ी सेलिब्रिटी उनके इफ्तार कार्यक्रम में हर साल ही देखी जाती हैं। सलमान खान से लेकर चाहे शाहरुख खान हो या और तमाम बॉलीवुड के जो हिंदी फिल्म जगत की बड़ी सेलिब्रिटी हैं वो सभी उनकी इफ्तार पार्टी में दिखाई देते हैं। लेकिन सवाल अब दरअसल लॉ एंड ऑर्डर को लेकर उठ रहे हैं राहुल। इससे पहले सलमान खान को धमकी दी गई थी, उनके घर पर फायरिंग की गई थी जिसमें बाद में एक के बाद एक कार्रवाई हुई, गिरफ्तारियां भी हुई। लेकिन अब एक राजनेता को जो कि विधायक रहा है, जो कि एक चर्चित चेहरा है, उससे निशाना बनाते हुए ये मुंबई में फायरिंग करना, क्या इतना आसान है सब कुछ? जी बिल्कुल, जब से शिंदे सरकार महाराष्ट्र में आई है तब से सरकार जो है कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष के निशाने पर रहा है। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले मुंबई के दहिसर में एक शिवसेना यूबीटी के पार्षद, पूर्व पार्षद पर सरेआम गोलियां जो है वो चलाई गई थी जिसमें उस पार्षद की मौत हो गई थी। उसके बाद लगातार महाराष्ट्र में कई ऐसी घटनाएं जो है घटित हो रही, चाहे वो फिर महिलाओं के साथ अत्याचार का मामला हो या फिर किसी और भी अपराध की बात हो, लगातार जो है महाराष्ट्र कानून व्यवस्था को लेकर सवालों के घेरे में रहा है। सलमान खान की धमकी को लेकर भी आप देख सकते हैं कुछ दिन पहले ही मार्च या अप्रैल महीने में उनके घर के बाहर फायरिंग हुई थी, गोली उनके घर तक गई थी। इस पूरे मामले को लेकर भी मौजूदा सरकार जो है सवालों के घेरे में थी और अब सीधे सीधे बाबा सिद्दीकी पर जो है गोलियां बरसाई गई है, 2 से 3 गोलियां बरसाई गई है। और इस गोली
इस फायरिंग में एक नेता की मौत हो गई है, जो महाराष्ट्र में एक समय में कांग्रेस पार्टी का दिग्गज नेता हुआ करता था बाबा सिद्दीकी। वो तीन टर्म के विधायक रह चुके हैं, मुंबई से पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं। कुछ दिन पहले ही उन्होंने अजीत पवार गुट का दामन थामा था। उनके बेटे दिशान सिद्दीकी जो है वो मौके पर मौजूदा समय में विधायक है, जो फिलहाल कांग्रेस पार्टी से निष्कासित चल रहे हैं। ऐसी चर्चा है कि वो भी कुछ ही दिनों में विधानसभा चुनाव से पहले वो भी जो है अजीत पवार का दामन थाम सकते हैं, क्योंकि अजीत पवार ने जब जनसम्मान यात्रा मुंबई में निकाली थी तो दिशान सिद्दीकी जो है अजीत पवार के साथ दिखे थे। इस पूरे घटनाक्रम विधानसभा चुनाव से पहले बाबा सिद्दीकी पर जो है इस तरह की गोलीबारी से जो है महाराष्ट्र सरकार पर जो है एक बार फिर सवाल जो है खड़े हो रहे हैं कानून व्यवस्था को लेकर। निश्चित तौर पर फायरिंग की घटना है और एक नेता पर सरेआम गोलियां जो है चलाई गई है कुछ ही समय पहले, और इस पूरे मामले को लेकर विपक्ष जरूर जो है एक बार फिर राज्य सरकार पर हमलावर होगा। जी जाहिर तौर पर इसमें सवाल तो बनते हैं, क्योंकि मुंबई लंबे वक्त तक अंडरवर्ल्ड से जूझता रहा है और कई बड़े लोग उसके निशाने पर भी रहे हैं, लेकिन लगातार जब अंडरवर्ल्ड के कमजोर होने की बात सामने आई थी, उस सब के बीच में बड़े बड़े सेलिब्रिटी को धमकी देना और उसके बाद इस तरह से एक राजनेता पर फायरिंग हो जाना सरेआम उस वक्त में, जबकि वो अपने बेटे के दफ्तर से बाहर निकल रहे थे, तो सवाल तो उठेंगे, चाहे वो विपक्ष के सवाल हों या फिर आम आदमी के सवाल हों, और सरकार को इसका जवाब देना होगा। लेकिन फिलहाल अस्पताल से किस तरह की खबरें हैं, कौन वहां पर पहुंचा हुआ है और क्या कोई बयान सरकार की तरफ से या पुलिस की तरफ से इसको लेकर आया है? देखिए, पुलिस अभी भी इस पूरे मामले को लेकर खुलकर बोल नहीं रही है। पुलिस से जो जानकारी मिली है, सूत्रों से मिली है, और दो लोगों को हिरासत में लेने की खबर है। लगातार जो बाबा सिद्दीकी के करीबी है, फिर वो चाहे कांग्रेस पार्टी के में हो या फिर अजीत पवार गुट में हो, उनके जानने चाहने व पहचानने वाले उनके तमाम जो कार्यकर्ता है वो इस समय लीलावती अस्पताल के बाहर डटे हुए हैं, जमा हुए हैं, क्योंकि एक चौंकाने वाली खबर जो है वो सामने आई है मुंबई से। उनके ऊपर जो है 2 से 3 राउंड फायर किया गया है, और जो उनके बाबा सिद्दीकी का जो सहयोगी है उसके भी पैर में गोली लगी है, इस तरह की जानकारी जो है वो सामने आई। जो जानकारी मिली है, उनके ऊपर फायरिंग तब हुई जब उस परिसर में फटाके जो है वो बजाए जा रहे थे। बताया जा रहा है कि दुर्गा जुलूस जो है वो निकला था, आज दशहरा का दिन है और मुंबई में दुर्गा की मूर्तियों का जो है विसर्जन चल रहा है, जुलूस निकाले गए हैं, और इसी दौरान उसके जिस जहां पर ये फायरिंग की घटना हुई है वहां पर उसके आसपास जुलूस जो है वो निकल रहा था, विसर्जन जुलूस था, और तभी वहां पर जो है इनके ऊपर फायरिंग की गई है। फिलहाल जो अस्पताल से जानकारी मिली है, वहां पर संजय दत्त जो है बॉलीवुड के अभिनेता वो पहुंच चुके हैं, और फिलहाल इस पूरे घटना में जो है बाबा सिद्दीकी की मौत हुई है। इसके साथ साथ जो अजीत पवार गुट के नेता भी है वो अस्पताल उनके भी पहुंचने का सिलसिला जो है अब से कुछ ही समय में शुरू होगा। जी ठीक, राहुल बने रहिए हमारे साथ, लगातार आपसे बात करते रहेंगे। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर मुंबई से, जहां पर बाबा सिद्दीकी पर 3 राउंड फायरिंग की गई थी, उनकी मौत की खबर सामने आ रही है। 3 बार के विधायक रह चुके हैं बाबा सिद्दीकी, फिलहाल एनसीपी अजीत गुट के वो नेता थे, ज्वाइन कर ली थी उन्होंने ऑफिशियली एनसीपी को, उनके बेटे फिलहाल इस वक्त विधायक हैं, और गोली लगने के बाद उन्हें मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका, बताया जा रहा है। जैसे कि मेरे संवाददाता राहुल पांडे लगातार मेरे साथ बने हुए हैं कि अस्पताल ले जाने से पहले ही शायद उन्होंने दम तोड़ दिया था, और बड़ी खबर इस वक्त अब आपके सामने, बड़ी खबर मुंबई से, जहां पर बाबा सिद्दीकी पर 3 राउंड फायरिंग हुई थी। ऑफिस से, अपने बेटे जिशान सिद्दीकी के ऑफिस से बाहर निकलते वक्त उन्हें निशाना बनाते हुए गोलियां मारी गई, और मुंबई में बाबा सिद्दीकी का मर्डर, बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने, बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या। एनसीपी अजित पवार गुट के नेता बाबा सिद्दीकी को मुंबई में गोली मारी गई है और उनकी मौत हो गई है। 1 गोली उनके सीने में और 2 गोली उनके पेट में लगी थी, इस तरह की बातें सामने आ रही है। लीलावती अस्पताल में उनको भर्ती करवाया गया था, उन्हें ले जाया गया था, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। जीशान सिद्दीकी जो कि उनके बेटे हैं, विधायक हैं,
उनके दफ्तर बांद्रा खेरवाड़ी सिग्नल के पास बाबा सिद्दीकी को निशाना बनाते हुए ये गोलीबारी की गई थी। लीलावती अस्पताल में उन्होंने दम तोड़ दिया। बांद्रा ईस्ट में उन पर यह फायरिंग की गई है। ये निर्मल नगर जो पुलिस स्टेशन है उसके अंदर आता है ये पूरा इलाका। हालांकि मुंबई क्राइम ब्रांच की टीमें स्पॉट पर हैं, 2 से लेकर 3 लोगों के हिरासत में लिए जाने की खबरें भी निकलकर सामने आ रही हैं और ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। उस पूरे गहमा गहमी की मुंबई की ये तस्वीरें, ये वो स्पॉट है, ये मौका वारदात है जहां पर बाबा सिद्दीकी को निशाना बनाते हुए गोली मारी गई थी। कॉर्डन ऑफ कर दिया गया, पूरे इलाके को सील कर दिया गया है और मुंबई पुलिस वहां पर मौजूद हैं, लेकिन हत्यारे वारदात को अंजाम देने के बाद वहां से निकल गए। सवाल इसी को लेकर कि आखिर मुंबई में यह हो क्या रहा है, देश की आर्थिक राजधानी मायानगरी मुंबई में आखिर क्या हो रहा है कि कभी किसी को धमकी दी जाती है, कभी किसी के घर पर फायरिंग होती है और इस बार एक बड़े राजनेता को गोली मार दी गई जिसमें उनकी मौत हो गई है। बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने मुंबई से, जहां पर बाबा सिद्दीकी पर 3 राउंड फायरिंग की गई और उनकी मौत हो गई है। बाबा सिद्दीकी की मुंबई में गोली मारकर हत्या, इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने News 24 पर। मुंबई से बड़ी खबर, बाबा सिद्दीकी पर 3 राउंड फायरिंग की गई थी। हालांकि सबके बीच खबरें ये भी आ रही है कि जो 3 संदिग्ध हैं उन्हें हिरासत में लिया गया है। अब जो संदिग्ध हैं उनसे किस तरह की पूछताछ होगी, क्या जवाब उनसे आएगा पूछताछ के बाद, लेकिन सवाल इसको लेकर भी कि आखिर कौन उनके इस मर्डर के पीछे है। बहरहाल मुंबई के बांद्रा इलाके में इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है। ऑफिस से निकलते वक्त गोली मारी गई बाबा सिद्दीकी को, 3 गोलियां मारी गई थी बदमाशों की तरफ से बाबा सिद्दीकी को, उन्हें बचाया नहीं जा सका। गोली लगने के फौरन बाद उन्हें लीलावती अस्पताल लेकर जाया गया था लेकिन बाबा सिद्दीकी को बचाया नहीं जा सका, उनकी मौत हो गई है। NCP अजित गुट के नेता थे, बीते दिनों ही जब NCP में 2 फाड़ हुई थी तब अजित गुट को उन्होंने ज्वाइन कर लिया था। 3 बार विधायक रह चुके हैं मुंबई से ही। तो बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने, NCP अजित गुट के नेता, कांग्रेस नेता नसीम खान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। नसीम साहब, बाबा सिद्दीकी की मौत की खबरें आ रही हैं, 3 राउंड फायरिंग उन पर की गई थी, क्या कहेंगे इस मौके पर आप? नहीं, बहुत दुखद घटना है और जिस तरह से घटना घटी है मुंबई जैसे शहर में, इसे तो कानून और व्यवस्था का मामला खड़ा हो जाता है कि कानून व्यवस्था है कि नहीं शहर में। इस तरह से दिन दहाड़े अगर किसी को गोली मारी जाती है और मुंबई जैसे शहर में, तो बड़ी ही अफसोसनाक बात है। और ये बाबा सिद्दीकी कांग्रेस में काफी सालों से थे और अलग अलग पदों पे उन्होंने काम किया, विधायक थे, मंत्री रह चुके थे और एक अच्छे इंसान थे। और जिस घटना हुई बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और इस घड़ी में बाबा सिद्दीकी जी के परिवार के साथ हम सब की सहानुभूति है, लेकिन आज ये सवाल भी है उठता है कि मुंबई जैसे शहर में इस तरह की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं और सरकार कहीं ना कहीं इस पर अंकुश नहीं लगा पा रही। सवाल इसी को लेकर कि आखिर मुंबई के लॉ एंड ऑर्डर को हुआ क्या है। ठीक, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। नसीम खान जो कि कांग्रेस नेता है वो हमारे साथ जुड़े थे। तो बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने मुंबई से, जहां पर बाबा सिद्दीकी की मौत हो गई है, बाबा सिद्दीकी का मर्डर कर दिया गया है मुंबई में, इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया। ऑफिस से बाहर निकलते वक्त बाबा सिद्दीकी को निशाना बनाया गया, 3 गोलियां उन्हें लगी थी, लीलावती अस्पताल ले जाया गया था उन्हें लेकिन बचाया नहीं जा सका, 3 राउंड फायरिंग हुई थी। विधायक को, अपने पूर्व मंत्रियों को ये सरकार के लोग कानून व्यवस्था के दायरे में रखते हुए सुरक्षित नहीं कर सकते, तो गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस जी आप इस्तीफा दीजिए, आपको एक पल भी गृह मंत्री बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। एकनाथ शिंदे जी आपको मुख्यमंत्री बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। मुंबई की सड़कों पर दिन दहाड़े गोलीबारी, 2-2, 3-3 राउंड गोली हो रही है, लोगों को मारा जा रहा है, लोगों को शूट एट साइट किया जा रहा है, ये कानून व्यवस्था आप देना चाहते हैं मुंबई को? ये कानून व्यवस्था देना चाहती है महायुति सरकार मुंबई कर और महाराष्ट्र को?
शर्म आनी चाहिए इस महायुति की सरकार को। पन्नास खोखे एकदम ओके, ये बदनामी अभी झेली रहे हो, अब खून खराबा शुरू करवा दिए हो। मतलब जो अपराधी है उनको कोई खौफ नहीं है? कोई सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग कर रहा है, कोई बाबा सिद्दीकी जैसे पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक को गोली मार दे रहा है, मार के घायल कर दे रहा है, पता नहीं घायल है कि उनकी मृत्यु हो चुकी है, भगवान करे सब सही हो। लेकिन जिस प्रकार ये घटनाएं सामने, आनंद दुबे को आप सुन रहे थे, शिवसेना उद्धव गुट के नेता हैं, प्रवक्ता हैं, सवाल लॉ एंड ऑर्डर को लेकर उठा रहे हैं और ये सवाल उनका कि आखिर मुंबई में ये हो क्या रहा है। आने वाले वक्त में महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन उस सबके बीच कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष हमलावर, क्योंकि एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है, वो भी दशहरे के मौके पर। एक तरफ जहां देश भर में दशहरा मनाया जा रहा था,